नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर के मोदा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पडोरी रोड झोपड़ी पास से कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। डकैती की योजना बना रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अंधेरे का फायदा उठाकर 2 आरोपी फरार हो गए। आरोपियों के पास से 3 तमंचे, कारतूस व 4 बाइक बरामद की गई है। मौदहा कोतवाली क्षेत्र के पडोरी रोड निर्जन झोपड़ी का ये पूरा मामला है। जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना मौदहा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की। दिनांक 5/10/2024 को रात्रि लगभग 11:35 बजे पुलिस ने पडोरी रोड अंडर पास के पास एक सुनसान झोपड़ी के पास 5 व्यक्तियों को डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया। इन अभियुक्तों के पास से चोरी की गई 4 मोटरसाइकिलें, 2 अदद 315 बोर के अवैध शस्त्र व 4 अदद 315 बोर के जिंदा कारतूस व 1 अदद 12 बोर का अवैध शस्त्र व 2 अदद 12 बोर के जिंदा कारतूस व बांस का डंडा और लोहे की पाइप बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों में मुफीद अहमद, दीपक निषाद, हेमू, संदीप और गोपाल शामिल हैं, जबकि 2 अन्य अभियुक्त आलोक यादव, संजय वर्मा अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सभी को न्यायालय पेश किया है। बरामद मोटरसाइकिलों में से मोटरसाइकिल स्पेंडर प्रो थाना मौदहा के, मराठीपुर से अभियुक्तगण मुफीद, दीपक व भागे हुए अभियुक्तगण आलोक व संजय वर्मा द्वारा चोरी की गई थी, जिसके संबंध में पूर्व में थाना मौदहा में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। प्रकरण में विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है व अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।